आज भाद्रपद शुक्ल दशमी सोमवार 25 सितंबर 2023 है। एक विशेष सूचना यह है कि हमने कल भाद्रपद द्वादशी की प्रस्तुति आज रखी है, अतः कल प्रस्तुति नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखना। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज नवलक्ष ग्रंथकर्ता श्री पुरुषोत्तम जी महाराज का उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। प्रभु श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत हम दान एकादशी एवं वामन द्वादशी के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन तथा सेवा क्रम का अवलोकन करेंगे। आप सभी को इन उत्सवों की खूब बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार कल वामन द्वादशी उत्सव है, अतः प्रत्येक बड़े उत्सव से पहले धराए जाने वाले आगम के श्रृंगार आज धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु को अनुराग के भाव से धराए जाते हैं। कल दान एकादशी भी है, हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। ब्रश भान न प्रति दर बाजे बाजे मदी ब्रश भान न प्रति। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरण के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई की विशेषता यह है कि यह रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले खंड पाठ पर भी रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित लाल रंग की मलमल के वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की
बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मलमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की त्रिष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल रंग की मलमल के अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। विशेषता यह है कि यह पिछोड़ा भी सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु की पीठिका जी पर आज जो ठाड़े वस्त्र धराए गए हैं वह पीले रंग के हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़ी, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्रीकंठ में प्रभु को आज चार मालाएं धराई गई हैं। इन मालाओं पर नीचे रत्नों से जड़ित पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की ही किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज एक मोर पंख की सादा चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर नित्यवत आभरण से मिलवा शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हरे मीना के कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत लाल पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीणा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित हरे मीणा के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की छोटी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी श्रृंगार में स्वर्ण वाली दिखाई गई है तो राजभोग में उत्सववत दिखाई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में कह दो कुवरी कहाँ ते आई, अहो मेरी प्राण होते प्यारी। श्रृंगार में कुंवर राधिका सकल सौभाग्य, राजभोग में बूझत जननी कहाँ होती प्यारी। भोग में सखी तेरे तन की सुंदरता,
आरती में नयन कैंधो बट प्यारे राधे शयन में आज बनी वृषभान कोमरी मान के पद में धन धन लाडली के चरण पोढ़वे में चापत चरण मोहन लाल कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। कल से दान लीला के पद प्रारंभ हो जाएंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला श्रृंगार राजभोग भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। यह तो थे प्रभु श्री जी के आज के दर्शन। आइए अब भाद्रपद शुक्ल द्वादशी मंगलवार 26 सितंबर 2023 अर्थात दान एकादशी एवं वामन द्वादशी उत्सव के प्रभु श्री जी के सेवा क्रम सहित दर्शन कर लेते हैं। प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का में क्या क्रम रहता है उसके दर्शन करेंगे। दान एकादशी एवं वामन द्वादशी उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग है। विविध उत्सव होने के कारण श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदन माल बांधी जाती है। सभी समय यमुना जल की झारी जी आती हैं। दो समय की आरती थाली में की जाती है। गेंद चौगान दिवाला आदि सभी सोने के आते हैं। श्रृंगार के समय दान के पद गाए जाते हैं। आज विशेष रूप से श्रृंगार दर्शन में बड़ा कमल धराया जाता है। दान एकादशी के दिन अभ्यंग स्नान नहीं होता है, परंतु वामन जयंती आज होने के कारण मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को गोपी वल्लभ भोग में अर्थात ग्वाल भोग में बूंदी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों उत्सवों के भाव से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त दो बासुंदी की हांडियां भी अरोगाई जाती हैं। आज से 20 दिन तक प्रतिदिन ग्वाल भोग में ठाकुर जी को दान की सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इन सामग्रियों में प्रभु को शाक घर और दूध घर में विशेष रूप से सिद्ध किए गए दूध दही, केसरिया दही, श्रीखंड, केसरी बासुंदी, मलाई बासुंदी, गुलाब जामुन, छाछ की हांडियां एवं खट्टा मीठा दही अरोगाया जाता है। वामन जयंती होने के कारण आज श्री जी में दो राजभोग के दर्शन होते हैं। प्रथम राजभोग में अन्न सखड़ी में दाग का रायता और सखड़ी में जयंती के भाव से 5 भात जिनमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात अरोगाए जाते हैं। प्रथम राजभोग दर्शन में जो लगभग 12 बजे के आसपास होते हैं, अभिजीत नक्षत्र में श्री जी के साथ विराजित श्री शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है एवं दर्शन के उपरांत उनको अभ्यंग तिलक अक्षत किया जाता है और श्री जी के समक्ष उत्सव भोग रखे जाते हैं। दूसरे राजभोग में उत्सव भोग में कूर अर्थात कसार के चाशनी वाले बड़े गुंजा, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, केसर युक्त बासुंदी, जीरा युक्त दही, घी में तले बीच चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संधाना और फल आदि अरोगाए जाते हैं। संध्या आरती दर्शन में प्रभु के श्रीहस्त में हीरा के वेत्र जी ठाड़े रखे जाते हैं। इसके साथ ही दशमी तक प्रभु श्री जी के सन्मुख बाल लीला के कीर्तन गाए जा रहे थे। अब द्वादशी से दान लीला के
कीर्तन गाए जाएंगे और आगामी 20 दिनों तक प्रभु श्री जी को दान की सामग्रियां रोगाई जाएंगी, जिनमें दूध, दही, छाछ एवं माखन शामिल है। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में दान लीला को पूर्णतः पुष्टि लीला माना गया है, अतः उसकी प्राथमिकता के अनुसार आज के श्रृंगार प्रभु को कुछ आंशिक परिवर्तनों के साथ धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पद्मा दार्यो जन ताप निवारण, पद्मा दार्यो जन ताप निवारण। आइए सबसे पहले प्रभु श्री जी की साज सेवा के दर्शन कर लेते हैं। आज श्री जी के पार्श्व भाग में दान घाटी में दूध दही बेचने जाती गोपियों के पास से दान मांगते एवं दूध दही लूटते श्री ठाकुर जी एवं सखाजनों के सुंदर चित्रांकन वाली दान लीला की प्राचीन पिछवाई धराई जाती है। राजभोग में यह पिछवाई बदलकर जन्माष्टमी के दिन वाली लाल देरियाई की बड़े लप्पा की सुनहरी जरी के किनारे के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। इसके अलावा अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घा आदि पधराए जाते हैं, जिनके साथ दृष्टि एवं खेल के साज भी पधराए जाते हैं। प्रभु के समक्ष स्वर्ण जड़ित दो पड़घा जी पधराए जाते हैं। इनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं, तो सन्मुख में धरती पर चांदी की दृष्टि जी धरी जाती हैं। और जो खेल के साज पधराए जाते हैं उनमें पट उत्सव का एवं गोटी दान वाली पधराई जाती है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को केसरी रुपहरी किनारी से सुसज्जित सूथन धराए जाते हैं, तो छोटी कांचनी केसरी रूपहरी किनारी की एवं बड़ी कांचनी लाल सुनहरी किनारी की अंगीकार करवाई जाती है। इसके साथ प्रभु श्री जी को केसरी रंग का रूपहरी जरी की किनारी वाला रास पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज श्वेत जामदानी के धराए जाते हैं। वामन द्वादशी साथ न हो तो प्रभु श्री जी को कांचनी में एक कांचनी नीले रंग की धराई जाती है। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को वनमाला का चरणारविंतक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया जाता है। इसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए जाते हैं। यह सभी आभरण माणक की प्रधानता वाले होते हैं। कली, कस्तूरी आदि की सभी माला जी भी धराई जाती हैं। आज प्रभु को बघनखा भी धराया जाता है। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज मानक की टोपी धराई जाती है और उसके ऊपर गोकुलनाथ जी वाला मुकुट एवं मुकुट पर पीतांबर धराया जाता है। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को आज गुंजा माला के साथ पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई जाती है। उसके साथ माणक से सिद्ध किए हुए वेणु जी और कटी पर माणक से ही सिद्ध किए हुए वैत्र जी धराए जाते हैं, जिनके साथ एक वैत्र जी हीरा से सिद्ध किए हुए भी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सभी वस्त्र श्रृंगार आभूषणों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज उत्सववत दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में गोविंद तिहारो
स्वरूप निगम, राजभोग में प्रकटे श्री वामन अवतार, दूसरे राजभोग में बलि के द्वारे कहाँ धोरी मोल, आरती में पद्म धर्यो, शयन के पदों में चरण कमल बंदो, मान के पद में आज सुहावनी रात, और पौढ़वे के पद में मदन मोहन श्याम पोढ़े, कीर्तनों का गायन किया जाता है। प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। वहीं पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं, तो मंगला राजभोग आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रिय नव नीत, प्रिय नव नीत, पालने झूले शिव ठल नाथ, झूला मैं गो, प्रिय नव नीत, पालने झूले शिव ठल नाथ, झूला मैं गो।
में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।